दमन दीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल को दमन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संघ प्रदेशों के डीआईजी बीके सिंह ने आज बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केतन पटेल को बीती रात मुंबई से गिरफ्तार किया है। आज स्थानीय सीजीएम कोर्ट में केतन पटेल को पेश करके रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रानी दमन पुलिस स्टेशन में 104 नंबर की एफआईआर रजिस्टर हुई थी 11/9 को, जिसमें कंप्लेनेंट वेल नोन पॉलिएस्टर लिमिटेड है और इन्होंने कंप्लेंट दिया था कि जागृति वाटर सप्लायर और केतन पटेल ये दोनों उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और वाटर सप्लाई के नाम पे, जो कि वो वाटर सप्लाई कोई करते नहीं है लेकिन पैसे की डिमांड करते हैं, तो जागृति वाटर सप्लायर के अकाउंट में 5 लाख रुपये पर मंथ जा रहा है उनकी तरफ से और 2 लाख रुपया केतन पटेल को जा रहा है, ये कंप्लेंट में था। और उसमें ये धमकी थी कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे, वाटर सप्लाई कट करवा देंगे और आपकी फैक्ट्री में लेबर प्रॉब्लम करा देंगे। तो डर के मारे ये लोग लगातार पेमेंट करते रहे, आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और थाने में कंप्लेंट कराई, जिसके बावजूद हमने एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर किया। इसमें 12 तारीख को नोटिस सर्व किया गया इनको, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन करने के मूड में नहीं थे, तो इसलिए इनको नोटिस इनके घर पे जाके इनको ढूंढा गया, ये वहाँ नहीं थे, फिर इनके घर पे नोटिस चिपकाया गया, उनको कहा गया कि 14 तारीख तक आप आ जाएं। ये आए तो नहीं, लेकिन इनकी तस्वीर, केतन पटेल की तस्वीर छपी गणपति पूजा अटेंड करते हुए दमन में, तो जाहिर है कि ये इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार का कॉपरेशन नहीं करना चाहते हैं, कानून के साथ लुका छुपी का खेल कर रहे थे। मीनवाइल इन्होंने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की, जिसपे हमने अपना पक्ष रखा और जज ने अपना फैसला 21 तारीख के लिए यानी कल के लिए सुरक्षित रखा है। इसी बीच में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि केतन पटेल जो लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहा छुपने की दशा में, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि बॉम्बे में एक लोकेशन पे इसकी लोकेशन मिल रही है। एक टीम हमारी नानी दमन पुलिस स्टेशन की PSI धनजी, कांस्टेबल भूषण मंगेला, होमगार्ड विजय और सैंडल एंड होमगार्ड विजय, तो ये टीम इमीडिएटली ऑर्गेनाइज की गई और SP साहब के सुपरविजन में, क्लोज सुपरविजन में वहाँ के और मुंबई पुलिस के अफसरों से भी लाइजन किया गया और इनको लोकेट किया गया फाइनली मुंबई में, और फिर उनको वहाँ से पिक करके यहाँ लाया गया। शुरुआती पूछताछ के बाद उनको उनकी गिरफ्तारी की गई। आज अभी नेक्स्ट आधे घंटे में उसको पेश किया जाएगा केतन पटेल को, और अभी उसको कोर्ट ले जाया गया है और हमने पुलिस रिमांड की मांग की है, ताकि जो जिस तरह से गैंग बना के एक्सटॉर्शन कर रहे, गैंग का पता लगाना, कौन कौन आदमी केतन पटेल के विवाह पे काम करता है, फैक्ट्रियों को धमकाता है वो पता करना, पैसे कैसे जागृति वाटर वर्क सप्लायर से और इसके पास आता है, इसके फैमिली में आपस में क्या रिश्ता है इस एक्सटॉर्शन को लेके, इस तमाम चीज़ों पे अभी पूछताछ करनी है। इसके लिए हम कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही मिलती है उसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा टाइम टू टाइम मीडिया को बताया जाएगा। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई एक्सटॉर्शन के और भी केस हैं इनके ऊपर? अभी एक केस अभी और रजिस्टर हुआ है, उसमें जो पीछे एक केस था उसमें हमने चार्जशीट ऑलरेडी कर लिया है, अल्केम की तरफ से कंप्लेंट थी, अल्केम फैक्ट्री की तरफ से,
तो उसमें इसके लोग थे, दो लोग जिसको अरेस्ट भी किया था, और उसके इसको चार्जशीट कर दिया, उसमें केतन पटेल भी चार्जशीटेड है। और इसके अलावा एक केस अभी और है जिसमें इसके पास एक गाड़ी पाई गई है जिसमें होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा के घूम रहा है, तो उसकी अभी आगे पूछताछ होगी, आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल इस केस के लिए हम पुलिस रिमांड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, जागृति जो कंपनी नाम दिया गया है, इसका मालिक कौन है? ये जागृति इसकी बहन है, दया भाई पटेल की बेटी है। तो क्या इसमें उनको भी इस केस में, क्योंकि जागृति के नाम से पेमेंट हुआ? उस एस्पेक्ट पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल तो जो केतन पटेल का रोल है, उस रोल को पहले हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें जागृति वाटर सप्लाई का भी रोल आएगा, अभी उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेट करें। इनको मुंबई में कहाँ से अरेस्ट किया गया? एग्जैक्ट लोकेशन नरीमन पॉइंट के पास। नरीमन पॉइंट क्या? ये कोई वकील से सलाह कर रहे थे या वहाँ पे कोई स्पेशल कुछ? नहीं, अभी इस तरह की जानकारी मेरे पास नहीं। अरे, होटल में किया या कहीं उसके घर से किया या नारीमन पॉइंट पे ओपन स्पेस? ओपन स्पेस। गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर उनकी गाड़ी में चिपका मिला है, ऐसा ड्राइवर ने मतलब बोला कि केतन पटेल इसको यूज़ करते थे, तो अभी तक इसकी जांच पता चली कि जो फर्जी स्टिकर है वो कौन छपवाता है, किसके ऑर्डर पे ये बनता है, क्योंकि ये संविधान और एक कानून के खिलाफ भी बहुत बड़ा उल्लंघन है। क्योंकि गृह मंत्रालय जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाता है, इसका फर्जी स्टिकर लगाना और इस फर्जी स्टिकर के ही दम पर शायद वो रोब जमाते हों, तो इसका पता लगा है कि ये स्टिकर कहाँ छपता है, किसके आदेश पे छपता है, या इन्हीं का ही मेन रोल है इसमें? क्योंकि करीब आज से कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने भी BVIP स्टिकर लगाकर संसद पर हमला बोला था, इसी तरह फर्जी स्टिकर लगा के, तो शायद हो सकता है इसके पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग चल रही हो। तो क्या आप लोग इस पर जाँच करेंगे इस, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और वो भी एक राष्ट्र स्तर पर मुद्दा है। एक डॉक्यूमेंट बना के उसको मिसयूज़ करने का मामला नहीं है। इस तरह के स्टिकर का यूज़ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक हो सकता है, तो जब उस केस पे हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे तो उसमें इन तमाम पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और तो तय में जाएंगे कि केतन पटेल क्या खुद इस तरह के स्टिकर छपवाता है या किसी गैंग से मिल के छपवाता है, कौन सा गैंग इसके पीछे काम कर रहा है, किस तरह के लोग इस तरह के फर्जी वाड़ा कर रहे हैं, उनका उनकी मंशा क्या है, क्या इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिलके किसी बड़े घातक घटना को अंजाम देने जा रहे थे, ये सारी बात इसमें आएगी जी। तो उसके लिए जब हम उस पर फर्दर आपको ब्रीफ करेंगे जी जी। आने वाले टाइम में, लेकिन ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होगा। सर, ये जो जिस गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगाया गया, उस गाड़ी की RC बुक आप लोगों ने ले ली होगी इन्वेस्टिगेशन में, इसका मालिक केतन पटेल या कोई और? नहीं, मालिक उसका बलविंदर सिंह है, मार्शल सिक्योरिटी के नाम से, तो वो मुंबई में बैठता है, उसका जो पार्टनर है यानी यहाँ का जो इंचार्ज है भंडारी करके, वो भंडारी का स्टेटमेंट भी हो गया है कोर्ट में, उसने बयान दिया 164 में, और उसमें उसने कहा है कि गाड़ी शुरू से ही केतन पटेल यूज कर रहे थे, और गाड़ी केतन पटेल के घर के आगे ही इंटरसेप्ट हुई थी, और उन्हीं के जानने वाले लोग उसमें बैठे हुए थे। तो ये तो अब अदालत के में 164 के बयान आ चुके हैं, पर्याप्त एविडेंस है इस लिहाज से, बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बताएंगे जी। सर, ये 2 लाख और 5 लाख है, कितने समय से दे रहे थे और अभी तक कितना पैसा इन्होंने दिया? टोटल तो अभी नहीं बता सकता हूँ, 2000 जून 2017 से दे रहे हैं, तो कैलकुलेट करके आप सोच सकते हैं। पर मंथ दे रहे हैं। सर, आपने बताया उनके घर पे नोटिस लगाया, 386 IPC 10 साल की सजा वाला प्रावधान, उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप अरेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट ही करवाना चाहते थे?
नहीं, उसमें यह है कि हम उसके घर गए थे उसको पिकअप करने के लिए, दोनों के घर गए थे क्योंकि दो केस थे, एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट था और एक ये किया था। जब दोनों परिवार नहीं मिला, दोनों परिवार वहाँ से गायब मिले, तो उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि आप नोटिस चिपका दें ताकि कल को ये कहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है मेरे खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, और इसका वो फायदा बेल में भी लेते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता था। तो इसलिए जाहिर है कि नोटिस चिपका दिया गया और दूसरे दिन आप प्रेस में छप रहे हैं, तो कोर्ट तो समझेगी ना कि भाई आप एक तरफ पुलिस के नोटिस की अवहेलना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जमानत की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? ये तो उसका कानूनन दायित्व है, जिस तरह उसका कानूनन दायित्व है बेल के लिए अप्लाई करना, उसी तरह उसका कानूनन दायित्व है कि पुलिस ने जब आपको नोटिस दे दिया तो आप पुलिस स्टेशन आइए, आप कोऑपरेट कीजिए। तो इवेट करता है, उसने इवेट किया, इसलिए नोटिस चिपकाया गया और उसकी फ़ोटो ली गई कि भाई इनको उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया, उसके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ थे, सब कुछ तो उनके संज्ञान में था कि भाई आपको पुलिस ढूंढ रही है इस केस के सिलसिले में। अभी तक टोटल कितने मामले दर्ज है सर केतन पटेल पर, चेक कर दो सर? जैसे अगर ये फर्जी स्टिकर में मान लो मेन रोल केतन पटेल का आता है, और दूसरा आपने बताया कि जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो गाड़ी वो परमिंदर सिंह मार्शल सिक्योरिटी के नाम थी, अगर दोनों का रोल मेन आता है तो क्या केतन पटेल को इसके खिलाफ सजा मिलेगी? क्योंकि ये एक राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसमें क्या न्यायालय न्यायपालिका है जो क्या बेल जमानत या इस तरह का कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, न्यायपालिका का मुद्दा तो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उस एंगल से भी इसको देख रहे हैं। नहीं, अगर बाई चांस आपने जांच की, इनविटेशन किया, पूरा एक एक जांच जब पे हर चीज पर आपने छोटी छोटी जांच की, और अगर उसमें केतन पटेल का रोल ही आता है, मैन वही फर्जी स्टिकर चिपकाते हैं, शायद और कहीं भी सप्लाई करते हो सकता है, क्योंकि जब वो अपनी गाड़ी में चिपका सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा है कि और बड़ा गिरोह भी हो सकता है, आज गृह मंत्रालय का है, कल शायद और किसी मंत्रालय का भी चिपका सकते हैं और रोक जमा सकते हैं, तो जब पुलिस को इन पूरी रोल के बारे में जानकारी मिलेगी तो क्या किस तरह का एक्शन लेंगे आप, मतलब उनको गिरफ्तार करेंगे या इमीडिएटली या नोटिस तरह का इस तरह से ही फिर वो लुका छिपी करेंगे? नहीं, हम वो प्रोसेस क्या अपनाते हैं वो तो अलग चीज़ है। यस, लेकिन मकसद ये है कि जो कानून है उसकी जिम्मेवारी बनती है, वो तो उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, इतने बड़े ओहदे पे कि जहाँ उन्हें एक सम्मानीय पद पर बैठे हैं, उन्हें खुद पता है कि एक गृह मंत्रालय के साथ किस तरह का उन्होंने एक जो खिलवाड़ किया है वो वैसे भी गलत था, और एक आम हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से भी गलत है, और औधे के हिसाब से तो है ही गलत। बिल्कुल, आप सहमत हूँ, और उसी ढंग से हम भी सोच रहे हैं। हाँ। और उसी ढंग से हम भी एक्शन करेंगे। FIR 104/18 जो एक्सटॉर्शन केस के सिलसिले में रजिस्टर की गई थी, जिसमें मेन अक्यूज केतन पटेल हैं, और पिछले कई दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी, हमने 12 तारीख को उसके घर पे भी रेड किया था, वहाँ नहीं मिला था, उसके बाद वहाँ नोटिस चिपकाया गया था, बीच में उसने बेल के लिए अप्लाई किया जिस पे कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है, हमें इस बीच पता चला कि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे कि ये मुंबई में किसी लोकेशन पे मौजूद है, तो नानी दमन पुलिस स्टेशन की टीम इमीडिएटली वहाँ भेजी गई, और हमने वहाँ से उसको पिकअप किया और उसे नानी दमन थाने लाए कल शाम को करीब 8 से 9 के बीच में, और आरंभिक पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। आज हम कोर्ट में उसे पेश कर रहे हैं, अदालत के सामने रिक्वेस्ट किया है कि इसे पुलिस रिमांड दिया जाए हमें, ताकि जो एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा है इसके द्वारा और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, धमकी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की धमकी देने के लिए, वो तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन में ही हो सकती है, इसलिए हमने पुलिस रिमांड की मांग की है। सर कितने दिन रिमांड की मांग करेंगे सर? वो अभी कोर्ट में गए हैं हम लोग, वो बाद में बताऊँगा जैसा मिलता है उसकी जानकारी में। सर वो उसको स्टिकर वाली गाड़ी उनके पास से मिली उसके, वो क्या बात? एक दूसरा केस है जिसमें वो होम मिनिस्टर के स्टिकर, होम मिनिस्ट्री के स्टिकर, नकली स्टिकर को लगा के जाहिर है कि किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था,
वो इन्वेस्टिगेशन आगे हम उसमें आपको खुलासा करेंगे। आज सिर्फ इस केस के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो हम दोबारा आपको बताएंगे। सर, स्टीकर के मामले में केस दर्ज हुआ है उनके खिलाफ? हाँ, केस रजिस्टर्ड है, बिल्कुल केस रजिस्टर्ड है, 106 नंबर FIR है। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर आरोपी को पेश करते हैं मीडिया के सामने, सर इसमें आरोपी को सर कहीं नहीं, आपको पेश करने का मतलब फोटो ही तो देना है, तो फोटो आपको मिल जाएगा, अभी मंगवा लिया। एक्चुअली उनको जल्दी में कोर्ट पेश करना पड़ा, कोर्ट से मैसेज था कि जल्दी पेश कर दें, शायद सेकेंड हाफ में कुछ और अर्जेंट काम है कोर्ट में, तो इसलिए सीधा उसे पहले यही लाना था, लेकिन सीधा आप कोर्ट ले जाया गया है। सर आपको उसकी तस्वीर और जो नॉर्मल तस्वीर आप लोग लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसी तस्वीर और वीडियो आपको अभी प्रोवाइड की। सर एक्चुअल संख्या तौर पर हर महीने कितने पैसे की मांग की जाती थी और ये सब पैसे जो है किस तरह से उनको दिए जाते थे? 2 लाख कैश में जा रहा था और 5 लाख के करीब चेक से जा रहा था। सर कब से दिया जा रहा था ये पैसा? ये जून 2017 से कंटिन्यूस चल रहा है ये सिलसिला। अभी तक की पूछताछ में और कुछ बाहर आया? नहीं, अभी हमने एक बार पुलिस रिमांड मिले, उसके बाद हम लोग तहकीकात करेंगे। सर ये मामला अगर प्रूव होता है पैसा मांगने का तो सर वो रिकवरी होंगे सर? बिल्कुल, हम उसके अमाउंट्स वगैरह सबके जो अकाउंट्स हैं वो सारे ट्रांजेक्शन जितने हुए हैं, पैसे का मूवमेंट कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, कहाँ गया है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन में देखी जाएगी। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक। बेटा तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी HIV की जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी।
होटल रिवांटा होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी होटल रिवांटा 3 बत्ती देवका रोड नानी दमन